जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पांच सौ वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गईं। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने
अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसाद होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया, स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित स्थिति के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सबके लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है, यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और हम सबके लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों, पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोग यहां पर कर तो रहे हैं लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश की चल रही है उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है उसके तहत ही सीमित संख्या में अतिथियों का आमंत्रण हो सकता था और उसका पालन करते हुए भी हमें इस ऐतिहासिक तिथि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, उन सबको किसी न किसी रूप में हम आने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्षों में करेंगे कि उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूति अयोध्या में हो सके
और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से यह कार्यक्रम अवधपुरी को जो गौरव मिलना चाहिए, इस गौरव को हम आगे बढ़ा सकें। हम सबके लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है, जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं, और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर, भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंग चालक जी का, अपने सभी माननीय अतिथियों का, पूज्य धर्माचार्यों का, संतगणों का, सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं।